अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो करंट अफेयर्स के बारे में है। तो थर्ड वीक ऑफ मई 2019 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सबको हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और इस वीडियो का जो PDF फाइल है तो वो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ट्रंप हैज इफेक्टिवली बैंड US कंपनीज फ्रॉम डूइंग बिजनेस विद, तो इसका आंसर है हवावे। तो रिसेंटली अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जितनी भी कंपनीज है तो उसको हवावे के साथ बिजनेस करने से बैन कर दिया। तो हवावे जो है ये एक मोबाइल कंपनी है और ये चाइना की मोबाइल कंपनी है, तो आप लोगों ने इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ईस्ट तैमूर टू बिकम वर्ल्ड फर्स्ट प्लास्टिक न्यूट्रल नेशन, तो ईस्ट तैमूर जो है ये एक कंट्री है, तो रिसेंटली ये दुनिया की पहली प्लास्टिक न्यूट्रल कंट्री बनी है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली सेलिब्रेटेड आना, तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली जो है ये हर साल 15 मई को मनाया जाता है ये दिन, और रिसेंटली 15 मई 2019 को जो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया गया तो इसका थीम था फैमिलीज एंड क्लाइमेट एक्शन। क्वेश्चन नंबर फोर है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेटेड आना, तो हाइपरटेंशन डे जो है ये हर साल 17 मई को मनाया जाता है, और रिसेंटली 17 मई 2019 को जो हाइपरटेंशन डे मनाया गया तो इसका थीम था नाउ योर नंबर्स। क्वेश्चन नंबर फाइव है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे सेलिब्रेटेड आना, तो टेलीकम्युनिकेशन डे जो है ये हर साल 17 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड आना, इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है ये हर साल 18 मई को मनाया जाता है, और रिसेंटली 18 मई 2019 को जो म्यूजियम डे मनाया गया तो इसका थीम था म्यूजियम एज कल्चरल हब्स द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर सेवन है, ताइवान अप्रूव्स सेम सेक्स मैरिज इन फर्स्ट फॉर एशिया, तो ताइवान जो है ये एशिया में पहली कंट्री बनी जिसने सेम सेक्स मैरिज को अप्रूव किया। क्वेश्चन नंबर एट है, US एयर स्ट्राइक किल 17 अफगान पुलिसमैन बाय मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर नाइन है, अली सतपारा बिकम फर्स्ट पाकिस्तानी टू कंक्वर वर्ल्ड 7,800 मीटर पीक्स, तो अली सतपारा पहली पाकिस्तानी बनी जिसने वर्ल्ड 7,800 मीटर पीक जो है इसको बुर किया, और ये पीक जो है इसका नाम है LH टोजा, और ये पीक जो है ये नेपाल में है और इसकी जो हाइट है वो है 8,516 मीटर, तो आप लोगों ने इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ल्ड कप 2019 विनर टू गेट रिकॉर्ड $4 मिलियन प्राइज मनी, तो अभी जो वर्ल्ड कप 2019 होने वाला है तो उसका जो विनर होगा तो उसको $4 मिलियन प्राइज मनी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, US स्टेट डिपार्टमेंट अप्रूव $314 मिलियन सेल ऑफ मिसाइल टू साउथ कोरिया, तो रिसेंटली अमेरिका ने साउथ कोरिया को $314 मिलियन के मिसाइल जो है वो सेल किए। क्वेश्चन नंबर 12 है, फार्मर CIA एजेंट सेंटेंस टू 20 ईयर इन प्रिजन फॉर सेलिंग इंफॉर्मेशन टू चाइना, तो CIA जो है ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो इसका जो एक एजेंट है तो उन्होंने चाइना को इंफॉर्मेशन सेल किए थे जिसकी वजह से उसको 20 साल कैद की सजा सुना दी गई। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रेंच ड्रग्स स्मगलर सेंटेंस टू डेथ इन इंडोनेशिया, तो फ्रांस का जो एक ड्रग्स स्मगलर है तो रिसेंटली इस ड्रग्स स्मगलर को इंडोनेशिया में सजाए मौत सुना दी गई। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेम ऑफ द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन जो है इसका नाम क्या है, तो इसका जो आंसर है वो है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल। तो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल रिसेंटली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के न्यू चेयरमैन अपॉइंटेड हुए, और इससे पहले जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन थे तो उसका नाम था उमर महमूद हयात।
क्वेश्चन नंबर 15 है, फेडरल मिनिस्टर फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल एंड फार्मर सिंध चीफ मिनिस्टर सरदार अली मोहम्मद मेहर पासिस अवे। तो सरदार अली मोहम्मद की रिसेंटली डेथ हुई और ये फेडरल मिनिस्टर फॉर नारकोटिक्स थे और फार्मर सिंध चीफ मिनिस्टर भी थे और इसकी और इसका जो एज था वो 52 ईयर्स था। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीनियर हिंद को राइटर एंड पोएट इस्माइल अवान पासिस अवे। तो सीनियर हिंद को राइटर और पोएट इस्माइल अवान की रिसेंटली डेथ हुई और इसका जो एज था वो 81 ईयर्स था। क्वेश्चन नंबर 17 है, माउंटेनर मिर्जा अली फ्रॉम गिलगत बल्तिस्तान स्केल माउंट एवरेस्ट। तो माउंटेनर मिर्जा अली जो है जिसका ताल्लुक गिलगत बल्तिस्तान से है, तो रिसेंटली इसने माउंट एवरेस्ट को अबोर किया। क्वेश्चन नंबर 18 है, ओमानी उमेना जोका अल हर्ती बिकम द फर्स्ट अरब ऑथर टू विन द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। तो ये एक ओमानी औरत है जो पहली अरब ऑथर बनी जिसने मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जीता और जिस बुक के लिए इसको ये प्राइज मिला था, तो उस नावल का नाम है सेलेस्टल बॉडीज। तो इसको भी आप लोगों ने जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज गिवन नोट टू द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम नेम्ड। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक न्यू यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज किया और इस डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम है वज़ीर आज़म कामयाब नौजवान प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोहम्मद डैम विल इरीगेट 15,100 एकर्स ऑफ लैंड। तो मोहम्मद डैम जो है ये 15,100 एकड़ जमीन जो है इसको सैराब करेगा और ये 800 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। तो इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, हु इज द स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर। तो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर जो मौजूदा है, तो उसका नाम है मिस्टर मोहम्मद उस्मान दार। क्वेश्चन नंबर 22 है, फर्स्ट व्हीलचेयर एशिया कप 2019 वाज वन बाय विच टीम। तो फर्स्ट व्हीलचेयर एशिया कप 2019 जो रिसेंटली हुई, तो ये इसका फाइनल किस कंट्री ने जीता, तो इसका आंसर है पाकिस्तान। तो इसका फाइनल रिसेंटली पाकिस्तान ने जीता और इसका फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के मबेन हुआ था। कहां पर हुआ था, तो ये नेपाल में हुआ था। तो इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु इज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल असेंबली फाइनेंस पैनल। तो नेशनल असेंबली फाइनेंस पैनल का जो न्यू चेयरमैन रिसेंटली इलेक्टेड हुआ, तो उसका नाम है असद उमर। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु इज द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मौजूदा है, तो उसका नाम है फवाद चौधरी। क्वेश्चन नंबर 25 है, नेम द यंगेस्ट पाकिस्तानी प्लेयर हु स्कोर्ड 150 प्लस रन इन एन ओडीआई इनिंग। तो इसका आंसर है इमामुल हक। तो इमामुल हक पाकिस्तान के यंगेस्ट प्लेयर बने जिसने 150 से ज्यादा स्कोर किया ओडीआई में और ये इमामुल हक ने किस कंट्री के खिलाफ किया, तो रिसेंटली इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने ये स्कोर किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु इज द करंट पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू इंडिया। तो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू इंडिया जो मौजूदा है, तो उसका नाम है मिस्टर मोइनुल हक। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच कंट्री रिलीजेस 572 पाकिस्तानी प्रिजनर्स इन रमजान। तो किस कंट्री ने रिसेंटली 572 पाकिस्तानी प्रिजनर्स को रिहा किया, तो इसका जो आंसर है वो है यूएई। यूनाइटेड अरब इमारात ने रिसेंटली 572 पाकिस्तानी को रिहा किया। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच कंट्री डिक्लेयर्स ए क्लाइमेट इमरजेंसी ऑन 1 मई 2019। तो 1 मई 2019 को किस कंट्री ने क्लाइमेट इमरजेंसी नाफिज किया, तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम ने रिसेंटली 1 मई 2019 को क्लाइमेट इमरजेंसी नाफिज किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की बात हुई है, तो यूनाइटेड किंगडम की जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, तो उसका नाम है थेरेसा मे और यूनाइटेड किंगडम का जो कैपिटल सिटी है, तो वो है लंदन और इसकी जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। तो आप लोगों ने इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है,
डैश बिकम सेकेंड कंट्री आफ्टर बर्तानिया टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी इन मई। तो यह पर यूनाइटेड किंगडम ने 1 मई 2019 को क्लाइमेट इमरजेंसी नाफिज किया था। तो इसके बाद किस कंट्री ने मई में अभी रिसेंटली मई में क्लाइमेट इमरजेंसी नाफिज किया, तो उस कंट्री का नाम है आयरलैंड। तो आयरलैंड ने 10 मई 2019 को क्लाइमेट इमरजेंसी नाफिज किया था बर्तानिया के बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आयरलैंड की बात हुई है, तो आयरलैंड के जो मौजूदा सदर है तो उसका नाम है माइकल डी हेगेंस, और आयरलैंड की जो कैपिटल सिटी है तो उसका नाम है डबलिन, और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, विच कंट्री हैज होस्टेड अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर मीटिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन 13 to 14 मई 2019। तो रिसेंटली WTO का जो इजलास हुआ तो किस कंट्री ने इसकी मेजबानी किया, तो इसका जो आंसर है वो है इंडिया। तो रिसेंटली WTO का जो इजलास हुआ तो वो इंडिया में हुआ 13 से लेकर 14 मई 2019 को। और WTO का एम क्या है, तो इसका एम है WTO इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। तो ये जो है ये ट्रेड के लिए काम करता है, तिजारत के लिए। और इस ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये WTO जो है ये कब फाउंड हुआ था, तो इसका कियाम January 1, 1995 को इसका कियाम हुआ था WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और इसका जो मौजूदा हेडक्वार्टर है तो वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो टोटल मेंबर कंट्रीज है तो वो है 164 कंट्रीज। और इसके जो मौजूदा डायरेक्टर जनरल है तो उसका नाम है रोबर्टो अजीवेडो। तो इसको भी आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।